हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग क्रश। मैं सभी आली आज फिर एक नए स्टाइल में अपनी एक नई डिश, नहीं पुरानी डिश लेकर आई हूँ, लेकिन एक इंस्टेंट तरीके से और इतना मैसी नहीं होगा, बहुत इजी वे में बन जाएगा, जो कि है मूंग दाल का हलवा, वो भी मेरे स्टाइल में। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, इतना मैस नहीं फैलेगा, कुछ नहीं होगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए, ये मैंने 1 किलो दाल ले ली है, जिसको मैंने भिगो कर 4-5 घंटे रख दिया था और फिर इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है, इसका पानी एकदम निकल चुका है। चलिए इसको हम इसमें डालकर ऐसे ही सोटे करेंगे ब्राउन होने तक। आपको इसको पीसना नहीं है गीले पे, आपको इसको सोटे करना है पहले अच्छे से। आप इसको रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इसे पीसेंगे तो आपका हलवा बहुत आसानी से बन जाएगा और वो जो लब्स पड़ जाते हैं भिगो कर दाल बनाने में, तो वो ये सब सारी दिक्कतें नहीं आएंगी आपके साथ। तो आपको ये प्रोसेस स्लो फ्लेम पर करना है। कोई भी चीज़ रोस्ट की जाती है, सोटे की जाती है, वो स्लो फ्लेम पर की जाती है, तो आप इसको बहुत आसानी से धीरे धीरे सोटे कर लें। ये देखिए, अब धीरे धीरे इसका मॉइस्चर उड़ना शुरू हो गया है और जैसे जैसे मॉइस्चर उड़ता जाएगा दाल हमारी रोस्ट होती जाएगी। तो देखिए, हमारी दाल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो देखिए, हमारी दाल भुन चुकी है और दाल से ये आवाज़ भी आना शुरू हो गई, तो इसका मतलब दाल हमारी डन है। इसको फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको हम प्रॉपर ठंडा होने देंगे, हम उसको उसके बाद ही पीसेंगे इसको। तो हमारी दाल एकदम भुनकर तैयार हो गई है, इसको हम सूखा सूखा पाउडर बना लेते हैं बिल्कुल बारीक और फिर मिलते हैं। तो दाल हमने भूनकर पीस ली है और अब हम चढ़ाते हैं अपनी चाशनी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये पानी 1/2 लीटर और ये हम डाल देते हैं अपने शक्कर। ये मैंने 600 ग्राम शक्कर डाली थी 1 किलो के हिसाब से। हमें इसमें सिर्फ शुगर डिसॉल्व करनी है और बॉईल आने देना है, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद। अगर आप ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा और शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना ही रखा जाता है। तो हम इसको डिसॉल्व करते हैं। चलिए, ये जब तक चाशनी बॉईल होती है हम अपने नट्स और खोया को फ्राई कर लेते हैं। तो हमने ये खोया ऐड कर दिया है, घी ऐड कर दिया है सॉरी। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं, इनको हम सबको फ्राई कर लेते हैं एक साथ। आप स्लो फ्लेम पर ही नट्स को फ्राई करें। तो हमारे नट्स हो चुके हैं, इनको हम फ्राई करके अब निकाल लेते हैं। हमें सारे निकाल लेने हैं इसको। तो हमने नट्स निकाल लिए हैं, इसी घी में हमें डाल देना है ये अपना खोया जो मैंने 250 ग्राम लिया है, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसका हम एक नाइस सा कलर लेकर आएंगे, पिंक टाइप। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं खोए को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाए और ऐसे ही उसको ऐड ना करें। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को कि खोए को कच्चा ऐड ना करें हलवे में या कोई और डिश में, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कच्चा ऐड करेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 दिन की रहेगी, और अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगी तो इसकी शेल्फ लाइफ 3 दिन बढ़ जाएगी। आप इस तरह से इसको फ्राई करें और इसका कलर एक अच्छा सा आने तक आप इसको फ्राई कर लें अच्छे से। चाशनी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, चलिए इसको हम फ्लेम को कर देते हैं बंद। ये देखिए, हमारा एक कलर आना शुरू हो गया है और खोए ने घी को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बस हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए, खोए का अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसमें हम और घी ऐड करते हैं। मूंग दाल हलवे में घी का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये देसी घी में ही सबसे अच्छी बनती है। आप बना तो रिफाइंड ऑयल में भी सकती हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका आएगा, जो मोटिव इसको खाने का और बनाने का होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप हमेशा इसको देसी घी में ही बनाएं। चलिए, हम जो मूंग दाल हमने पीस कर रखी थी उसको हम लेकर आते हैं। ये देखिए, ये रवे जैसा टेक्सचर हो गया इसका। हम इस कढ़ाई में इसको डाल देते हैं और इसको हम भूनते हैं। अभी ये सारा जो दाल है ये घी को पूरा अपने अंदर सोख लेगी,
तो इसको आप ध्यान से स्लो फ्लेम पर भूनते जाएं। तो हमारी दाल अच्छे से भून चुकी है। चलिए अब इस पीरियड पे हमने जो चाशनी बना कर रखी थी अपनी, हम वो ऐड करते हैं इस पे। और इसको हम चलाते हैं। अब इस टाइम पर हम ये हाफ टी स्पून डालेंगे इलायची पाउडर। आप ये ना सोचे कि ये इतना पतला हो गया है, अभी ये भुना जाएगा और एक बार। और अब हम डालते हैं इसमें अपना खोया। तो हम अपना खोया ऐड कर देते हैं जो हमने भून कर रखा था, और अपने आधे नट्स भी इसमें हम ऐड कर देते हैं, और थोड़े से हमने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी बढ़िया आ गई है। ये एकदम नो फेल रेसिपी है, और आप इसे बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो आपको अपनी मेहनत थोड़ी सी खोनी पड़ेगी इस मीठी सी डिश को खाने के लिए। तो आप ज़रूर इसे बनाएं अपने घर पर, और अच्छे से भूनेंगी तो इसका शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाएगा, और आप रख कर खाएंगी, अपने मिलने वालों को खिलाएंगी तो तारीफों के पुल बन जाएंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम घी और ऐड करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में 250 ग्राम घी यानी 250 ग्राम घी यूज हुआ है, तो आप इसको भी अपने रेशियो में शामिल कर लें। और ये हमारा हलवा बनकर एकदम रेडी है। आप चाहें तो जब आप दाल इसमें ऐड कर रही थी और जब आपने चाशनी डाली थी, आप इसमें सैफरन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इलायची पाउडर डाला, सैफरन नहीं डाला है। आपकी मर्ज़ी, आप जो डालें, आपको जो नट्स पसंद हो आप वो नट्स डालें और इसको इंजॉय करें।